आज स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा चर्चाओं में क्यों अभी अभी आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हुआ क्या, 25 से 26 नवंबर को 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी दिवस मनाया गया। ठीक, तो भाई ये 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी दिवस जो मनाया गया है 25 से 26 नवंबर को मनाया गया 2020 को, तो 25 से 26 नवंबर को ही ये क्यों मनाया गया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली में 26 नवंबर को जो होता है 26th of November को होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब कि संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है हमारा संविधान दिवस। तो उसी डेट पर मनाया गया है ये 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी दिवस। ठीक, तो अब देखिए कहाँ मनाया गया, गुजरात में ये मनाया गया। गुजरात के कहाँ, तो गुजरात के केवड़िया में, ये जगह है केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में मनाया गया। ठीक, तो अब इस चीज़ का हमारे वन नेशन वन एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या लेना देना है। ठीक है, तो देखिए लेना देना है एक्चुअल में इस डेट पे जो हमारे देश के पीएम है फिलहाल, अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या किया इस डेट पे, जब ये उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पे पार्टिसिपेट करे, तो उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी जितने भी इलेक्शन होते हैं, कितने इलेक्शन होते हैं, एक तो जनरल इलेक्शन होते हैं यानी कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं सांसद वाले, ठीक है, एमपी वाले जो इलेक्शन होते हैं सांसदों वाले वो इलेक्शन, और हमारे स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिससे एमएलए चुने जाते हैं, ठीक है, तो यानी कि लोकसभा और विधानसभा, ये जो इलेक्शन होते हैं इनको एक ही साथ कराने का विचार वहाँ पे उन्होंने रखा कि भाई ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तब से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, तो कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं, कुछ लोग इसके अपोज में भी हैं। ठीक है, तो फेवर और अपोज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये टॉपिक है क्या और ये क्या क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा तो क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन होने चाहिए या नहीं होगा तो इसमें के आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, तो देखिए उन्होंने यहाँ पे एक टर्म और दिया केवाईसी। नॉर्मली हम केवाईसी क्या होता है, ठीक है, केवाईसी को हम बैंक में यूज करते हैं, ये शब्द हमने बैंक से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है केवाईसी, जिसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई केवाईसी का मतलब यहाँ पे उन्होंने एक टर्म दिया है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जाने। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने भी एक टर्म दिया, तो भाई केवाईसी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और हो गया, पहले नो योर कस्टमर हुआ करता था बैंक की लैंग्वेज में, लेकिन अब पॉलिटिकल टर्म इसका निकल आया है केवाईसी मतलब कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जाने। ठीक, तो भाई इन्होंने ऐसा किया, क्या ये पहली बार हुआ है या एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाएगा तो क्या फ़ायदा हमको हो सकता है। तो देखिए क्या हुआ, हमारे देश में जो इलेक्शन कराती है वो कराती है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक होता है लॉ कमीशन। ठीक है, एक क्या होता है लॉ कमीशन, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ भाई, ये क्यों पिक्चर में आया, तो ये पिक्चर में इसलिए आया, तो देखो भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ये दोनों इलेक्शन आप एक साथ करा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इलेक्शन कराने के लिए जो पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, मनी खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आता है, हमारे देश के टैक्स पेयर्स का होता है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वही ये पैसा होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें, देखिए कितना पैसा खर्च होता है एक इलेक्शन कराने में, तो 2014 में जो पैसा खर्च हुआ था, मनी खर्च हुआ था, स्पेंड हुआ था, वो 3870 करोड़, ठीक है, 3870 इतने करोड़ रुपया हमारा खर्च हो गया था, किसके लिए, इलेक्शन कराने के लिए। वो तब है ये आपके जो एमपी वाले सांसद वाले इलेक्शन वो इलेक्शन और ये स्टेट वाले इलेक्शन अलग अलग होते हैं, तब इलेक्शन कमीशन को 2014 में जनरल इलेक्शन कराने के लिए 3870 करोड़ रुपए खर्च हो गया था। कहाँ पैसा खर्च होता है, तो भाई जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी जो पुलिस वाले होते हैं आर्मी मैंस होते हैं, उनको लाने ले जाने सबको अरेंज करना है, EBM मशीन है, और भी सारी सुविधाएँ फैसिलिटीज़ आपको डेवलप करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती है, सर सब क्या होता है, और वोटर लिस्ट, जो हमारी वोटर लिस्ट होती है हर इलेक्शन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, वोटर लिस्ट नए सिरे से अपडेट करनी पड़ती है, तो यानी काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये सुझाया जा रहा है कि भाई एक राष्ट्र एक इलेक्शन, यानी इलेक्शन जो 5 साल में एक ही बार हो, क्या होता है हमारे यहाँ देश में लगातार इलेक्शन चलते ही रहते हैं, ठीक है, कभी इस स्टेट में इलेक्शन है, कभी राजस्थान में, कभी बंगाल में आने वाला, कभी बिहार में अभी हुआ, फिर UP में आ जाएगा, असम में, मणिपुर, नागालैंड में, तो यानी हमारा देश पूरे साल भर इलेक्शन से जूझता ही रहता है, इलेक्शन ही चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जो पैसा खर्च हो रहा है
ये बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी 5 साल में एक बार इलेक्शन हो बस, उसके बाद क्या हो 5 साल तक ये गवर्नमेंट जो है केवल डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ठीक है। तो ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि भाई देखो हम क्या होता है कभी इस स्टेट में इलेक्शन है कभी उस स्टेट में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें उलझे रहते हैं, डेवलपमेंट पे मेन फोकस हमारा नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसके फेवर में भी कुछ चीज़ें कही जा रही हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, ठीक है, कुछ लोग इसके अपोज में भी हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखते हैं कैसे अच्छी चीज़ है कैसे अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखिए जाहिर सी बात है एक बार इलेक्शन होगा तो पैसा बचेगा, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखिए अगर एक बार इलेक्शन होगा, ठीक है, तो पूरे देश में एक बार इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं भाई। हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हर सिटी में आपको इलेक्शन कमीशन यानी कि सेंटर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वोटिंग सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे। तो उतने आर्मी पर्सनल उतने पुलिस वाले क्या उतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, क्या उतनी ईवीएम मशीन वगैरह ये रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं, तो उतने देखा जाए तो आज की डेट में उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मेन दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। दूसरी देखिए दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि क्या जब एक वोटर एक ही टाइम पे दो लोगों को वोट देने जाएगा, दो लोगों को चुनने जाएगा, यानी उसको एमपी भी चुनना है, सांसद भी चुनना है और एमएलए अपने स्टेट का विधायक भी चुनना है, तो क्या उस टाइम पे वो पार्शियल नहीं हो पाएगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है भाई कोई एक पार्टी है, ठीक है, कोई एक पार्टी है तो उसका सांसद भी खड़ा है उसका विधायक भी खड़ा है, ठीक है। तो एक हो सकता है कि सांसद के मुद्दे ज़्यादा अच्छे हों विधायक से और विधायक नाकार रहा हो, तो पता चले वो पार्टीज का फेवर करके दोनों को दे है, तो यानी कि ऐसे में एक अच्छा और एक बुरा चुनने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि भाई लोकल मुद्दे इतने ज़्यादा, ठीक है, लोकल मुद्दे क्या होते हैं बिजली पानी इस टाइप की चीज़ें, ये मुद्दे ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हो या ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है जो बंदा विधायक को चुनना चाह रहा हो और एमपी किसी और को चुनना चाह रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो विधायक वाले मुद्दे से या विधायक से इन्फ्लुएंस में आके सांसद को भी उसी के पार्टी के चुन ले, तो ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या हमारे देश का मतदाता इतना ज़्यादा जागरूक है? जागरूक की बात है, ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या देश के जितने भी वोटर हैं सभी जागरूक हैं? ठीक है, तो लगभग ऐसा निकल के आता है कि भाई सभी इस लेवल के जागरूक अभी नहीं हुए हैं। तो काफ़ी हद तक एजुकेशन लेवल पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़ा है, ठीक है, लेकिन क्या देश के कोने कोने तक इतनी ज़्यादा जागरूकता इलेक्शन के प्रति पहुंची है? तो एब्सोल्युटली इसका आंसर है कि अभी तक देश के कोने कोने तक इतनी ज़्यादा जागरूकता इलेक्शन को लेके नहीं पहुंच पाई है। तो क्या हमारे देश में ये फिजिबल है? हाँ, ये कॉन्सेप्ट डिज़ायरेबल तो है, दिस इज़ डिज़ायरेबल, हमें चाहिए कि हाँ भाई पैसा बचाया जाए इनको एक साथ किया जाए, लेकिन क्या ये फिजिबल है प्रैक्टिकल है? तो इसी को लेकर क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं कि भाई यह क्या यहाँ पे ये फिजिबल है। तो मोस्टली ये निकल के आ रहा है कि भाई ये फिजिबल इंडिया में अभी नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या ये नरेंद्र मोदी ने ही बात उठाई है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीएम ने आवाज़ उठाई है इसके लिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था एक बार जान लीजिए आप, 1983 में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1983 में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा होता है बार बार इलेक्शन करने में और इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टाफ पूरा बिजी रहता है, बहुत सारी और भी सेवाएं बाधित होती रहती हैं, तो इसको इलेक्शन को मर्ज कर देना चाहिए, एक साथ कराते रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है, 1983 में ये बात कही, इसी बात को रिपीट किया गया कब, 1999 में, इसको कब रिपीट किया गया, 1999 में रिपीट किया गया, फिर से कहा गया, किसने कहा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, और उस टाइम पे इस कमेटी के जो हेड थे वो थे हमारे जीवन रेड्डी, कौन थे, जीवन रेड्डी, तो ये भाई साहब थे, ठीक है, ये ऑफिसर थे वहाँ के हेड थे, इन्होंने ये बात फिर से कही कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि भाई एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है तो दूसरी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा ये समझा जा रहा है कि भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं रह जाएगा, किसी एक चीज़ को ये फेवर कर देगा, वोटर एक ही साइड चला जाएगा, यानी कि सपोज करो कोई बीजेपी को वोट दे रहा है एमपी के इलेक्शन में, तो हो सकता है वो इससे इन्फ्लुएंस होकर बीजेपी को एमएलए भी चुन ले उसी स्टेट में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई जैसे दूसरी पार्टी कांग्रेस है, वो कांग्रेस के विधायक को चुनना है, तो लोकल मुद्दे इतने हावी हैं कि वो उससे इन्फ्लुएंस होकर सांसद भी कांग्रेस का चुन ले, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसे चीज़ें होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि अगर हमको इस टाइप की चीज़ें करानी हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव कराना है, तो पहले ये जो क्वेरीज आ रही हैं
ये जो डाउट्स आ रहे हैं इनको दूर करना होगा, तभी जाके इस रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक, और ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने कह दिया तो हो गया। ठीक है, कानूनी रूप से भी बहुत सारी बाधाएं हैं इसमें, एक साथ इसको नहीं किया जा सकता, यानी बहुत सारे संविधान के संशोधन आपको करना पड़ेगा, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आपको करना होगा। ठीक, देखो ऐसा नहीं है कि ये हमारे राष्ट्र में पहली बार हो रहा, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ऐसा, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो ये चीज़ें पहले से होती आई हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है। लेकिन वहाँ की स्थिति को जानिए और अपने देश की स्थिति को समझिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होता है। कोलंबिया या ब्राज़ील में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, तो यहाँ वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, वाइड रेंज तो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन पॉपुलर डेंसिटी उतनी नहीं है। और जागरूक लोग हम, ठीक है, क्या वहाँ से कम लोग जागरूक हैं, ज़्यादा है, तो ये फैक्टर भी मैटर करते हैं, ये फैक्टर्स भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये चुनाव पहली बार ऐसे हो रहे हैं। 1951, ठीक है, 1951 से लेकर 1967, ठीक है, 1951 से लेकर 1967 तक हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव यही हुआ करते थे। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, 1951 से 1967 तक लेकर एक देश एक चुनाव, इसी कॉन्सेप्ट पे यही फंडा हमारे देश में चलता आ रहा था। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि 1951 से लेकर 1967 तक जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यानी तब से कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, तब से लेकर 1967 तक ऐसा ही होता था, एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती, कांग्रेस ही एक पार्टी हुआ करती थी, जिसकी मदद से मतलब सारी सीटें लगभग वही जीत जाया करती, उसकी हाथ जीत लगभग सुनिश्चित हुआ करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद 1967 के बाद क्या हुआ, रीजनल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियां डेवलप होने लगी, बनने लगी। तो जैसे जैसे वो प्रभाव में आई, ठीक है, तो क्या हुआ, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट ना रह के किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आने लगी, तब ये क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव बढ़ने लगा। तब क्या हुआ कि एक स्टेट में क्या हुआ भाई, वहाँ पे किसी और का सीएम है, वहाँ पे किसी और का सीएम है, ठीक है, इस तरह से होने लगा। और साथ ही साथ इनकी टाइमिंग भी डिफरेंट हो गई, टाइमिंग मतलब जैसे क्या हुआ भाई, अभी सीएम बना, एक साल बाद सरकार गिर गई, सरकार गिर गई तो उसके बाद 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना होता है, तो यानी इलेक्शन कराने की जो टाइमिंग थी वो गड़बड़ हो गई, आगे पीछे होने लगी। तो तब से हमारा ये सिस्टम एक राष्ट्र एक चुनाव वाला सिस्टम गड़बड़ाने लगा। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अभी सोच रही है जो एमपी वाले हैं यानी सांसद और विधायक वाले स्टेट वाले गवर्नमेंट इलेक्शन हैं, इनको केवल एक साथ कराया जाए, बाकी इलेक्शन तो और भी बहुत सारे होते हैं, बाईपोल जो होते हैं, किसी के मरने से सीट खाली हो जाती है या कोई इस्तीफा दे देता है या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो उस टाइप के जो बाईपोल होते हैं उनको भी 6 महीने के अंदर लगभग हमको कराना होता है। तो इलेक्शन, हम साल भर इलेक्शन 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 यही चक्करों में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये तो भाई इलेक्शन पहले हुआ करते थे, लेकिन टाइमिंग आगे पीछे होने से, ठीक है, हंग असेंबली आ गई, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो कोई एक साल में गिर गई, 1.5 साल में, 2 से 2.5 साल में गिर गई, तो उस टाइप से फिर इस 1967 के बाद से ये सब चीज़ें क्या हो गई, गड़बड़ा गई, आगे पीछे इलेक्शंस होने शुरू हो गए। अब आज की डेट में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि लगभग कहो हर साल के 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शंस चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, इन इलेक्शन के चलने से क्या होता है, आर्मी पर्सनल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको लगाना पड़ता है, टीचर्स, ठीक है, जो पढ़ाने के काम करते हैं उनको भी दिक्कत होती है, टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाता है, शिक्षण कार्य यानी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती है, तो इन सब चीज़ों से, इन सारी चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जैसे कि किसी स्टेट में इलेक्शन आ गए और सेंटर में गवर्नमेंट किसी पार्टी की है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सेंटर में वो सारा ध्यान अपना उस स्टेट के इलेक्शन में लगा देती है। ठीक है, तो सारा ध्यान उसका डेवलपमेंट से हट के कहाँ चला जाता है, इलेक्शन पे फोकस, यानी वो ऐसी पॉलिसीज लागू करने लगती है ताकि उस स्टेट में उसको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाने लगती है, तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट आपका प्रभावित होता है, बाधित होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी ये वन इलेक्शन और वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन पहले इसके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं उनको रिमूव करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या होता है भाई, सबसे पहले तो वोटर का जो बिहेवियर है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको स्वतंत्र रूप से वोट दे देना चाहिए। तो ये चांस है कि वो एक वोट एक पार्टी से प्रभावित होकर दोनों कैंडिडेट वही वाले चुन ले, तो ये डाउट भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और भी कुछ डाउट है कि भाई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट सुधार करने होंगे, जैसे कि आर्टिकल 356 इसमें भी सुधार करना होगा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें भी आपको सुधार करना होगा। तो कैसे इसको लागू किया जाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक,
तो अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गई चीज़ इसकी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। दूसरा सुझाव और क्या दिए जा रहे हैं, सुझाव ये भी दिए जा रहे हैं कि भाई आप 5 साल में ना करा के 2.5 साल में इलेक्शन करा लें, ठीक है। 5 साल में ना करा के क्या क्या करा लें, 2.5 साल में, यानी ऐसा तो हो जाएगा कि भाई अभी क्या है कि भाई अभी होना है इलेक्शन, फिर दूसरे स्टेट में कल होना है, फिर अगले ईयर होना है, फिर अगले ईयर होना है अगले, तो आप ऐसे करो इसको मर्ज कर दो, 2.5 साल में मर्ज करो, केवल 5 साल में 2 बार इलेक्शन होंगे, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। अब दिक्कत क्या है, देखिए जो स्टेट में सपोज करो किसी गवर्नमेंट चल रही है, वो गवर्नमेंट अभी चुनी गई है, तो उसका कार्यकाल जो होगा टाइम पीरियड पूरा होगा 5 साल बाद होगा, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि भाई 2024 में शायद ये नीति लागू कर दी जाए, ये पॉलिसी लागू कर दी जाए। तो भाई देखो क्या, जो अभी सेलेक्ट हुई है 2019 में सेलेक्ट हुई है और वो 2024 में होगा, तो उसका तो कार्यकाल पूरा हो गया, और जिसका कार्यकाल पूरा ही नहीं होगा उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा टाइम से पहले ही, तो उसको तो बुरा लगना ही है। यानी रीजनल पार्टी के ये भी डाउट हैं कि भाई हमारा 1 साल और बचा था, 1.5 साल और बचा था, आपने क्यों उसको पहले ही डिस्टर्ब कर दिया है, तो ये भी उनको पॉलिटिकल पार्टी को लॉसेस हैं, तो वो भी उसका विरोध करेंगी, ठीक है भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए यहाँ पे कि भाई कैसे उसको मैनेज करें चीज़ों, ताकि सबका कम से कम नुकसान हो और देश का फायदा हो सके, ठीक है, इस टाइप से ये चीज़ें। दूसरी स्थिति देखिए क्या होता है, आप आजकल देख ही रहे हैं कि इस स्टेट में गवर्नमेंट गिर गई, दूसरी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली, इस टाइप की चीज़ें भी होते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर बीच में कोई सरकार गिरती है 2.5 साल से पहले या 5 साल से पहले कोई सरकार गिरती है, तो क्या अभी टाइम पीरियड तो आया नहीं, सपोज करो अभी गवर्नमेंट बनी 1 साल बाद गिर गई, अब उसका कार्यकाल ये 2.5 यानी कि इलेक्शन होने में अभी 1.5 साल बचा हुआ है, तब उसके साथ क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या वो 1.5 साल तक वेट करेंगे, तब तक वहाँ की कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ठीक है, या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तो क्या करना है उस टाइम पे। तो रूल क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के, भी 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है, राष्ट्रपति उसको एक्सटेंड करता है, फिर 6 महीने के मैक्सिमम कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे में क्या होगा, तो यानी कि जब भी कोई पार्टी किसी सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लाए, ठीक है, यानी उसको गिराने की बात ना करे, क्या करे, आपको अगर गिराना है तो पहले आप सॉल्यूशन सुझाइए कि नई सरकार कैसे बनेगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आइए, कंस्ट्रक्टिव सरकार गिर जाएगी लेकिन उसके बाद बनेगी कैसे, ये सॉल्यूशन भी आप लेके आइए, फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, यानी कि आपको कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन भी देखने में आ रहे हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो अभी ये चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशन दौर में ही अपना कि किस किस टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन हम निकाल के क्या करना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो लगभग आप जान लीजिए कम से कम 50% स्टेट की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी, 50% स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा, रेटिफाई मतलब एक तरह की परमिशन ही उनको लेनी पड़ेगी, यानी 50% राज्य इस रूल को अप्लाई करने के लिए कम से कम तैयार हों कि हम राजी हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई नज़ारा दिखता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ पार्टी इसके फेवर में भी आई है, कुछ अपोज भी आई है, ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसा रास्ता अभी कुछ नहीं निकलता दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, डिबेट होगी, पॉइंट्स निकल के आएंगे, तो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर इसकी हो, ठीक। तो देखिए यानी कि इस तरह से हम एक राष्ट्र एक चुनाव कराते हैं, तो देश का पैसा बचेगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा, विकास कार्य बाधित नहीं होंगे, ये इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन आप ये भी सोचिए भाई देखो होने के लिए क्या है, भाई जब हमारा मोबाइल नंबर पूरे देश भर में एक हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड एक हो सकता है, ठीक है, तो क्या इलेक्शन एक नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी हैं इनका निवारण बिना किए बिना ये चीज़ अप्लाई करना भी बेवकूफ़ी होगी। यानी हमारे देश के लिए डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन फिजिबल प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पर देखिए हो सकता है सालों साल अभी लग जाए, टॉपिक चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन हो उसमें चल जाए, ठीक। तो 2014 में 3870 इतना करोड़ और 8966 इतना 2019 में खर्च हुआ था इलेक्शन पे, और ये कौन सा डाटा है, ये डाटा तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, उन्होंने खर्च किया है। और भाई आप जानते हैं इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्च करती हैं, ठीक है, ये मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कितना वो पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्च करती है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता, और जो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आप जानते हैं कितनी सच होती है और कितनी झूठ होती है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा शायद खर्च होता होगा, ठीक है। तो ये तो है पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, झंडे, बैनर, माइक होर्डिंग, रैलियाँ दुनिया भर के ये सब होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और कहाँ से आता है, वो देश का ही पैसा है, हम फालतू की चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है, हम सेव कर सकते हैं उसको, तो उसको भी बचाया जाना चाहिए। और हम जानते हैं कि भाई इलेक्शन होते हैं देश में, ठीक है, तो क्या वो डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं, किस बेसिस में होते हैं, तो देखिए रिलीजन, कम्युनिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो हमारे देश में इस तरह से इलेक्शन
हो रहे हैं और होते रहे हैं पहले से भी, अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे बस, देखिए ये जो चुनाव है कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन इसकी जो डिफ़िकल्टी है दूर हो जाए तो बहुत अच्छा, मेरे देश का बहुत भला हो सकता है, ठीक है, हमारे देश का बहुत भला हो सकता है। लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रैक्टिकल टेक्निकल दिक्कत आ रही है, इनको भी सॉल्व करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना अप्लाई करना, ठीक है। तो ये इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव अभी तो हमारे लिए डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन नॉट फिजिबल, फिलहाल तो ये फिजिबल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है किस करवट बैठता है ऊँट। तो देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।